अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ HM कैटल फार्म में और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं 5 काबरा नस्ल के नायाब बकरे इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। और अगर इनके मैं वज़न की बात करूँ तो वज़न का मालूमात करते हैं, लेकिन इनके पैसों की भी बात करेंगे। आइए जानते हैं इस कैटल फार्म के ऑनर से, मुझे बताएं ये कौन सी नस्ल है? सर टापरे हैं, सारे टापरे। अच्छा, ये बड़ी नायाब नस्ल कहा जा रहा है इनको मंडी में, तो ऐसा ही है? बिल्कुल सर, कह रहे हैं कि इस वक्त के जो सबसे नायाब बकरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात छोटे बकरों के अंदर इतने वेट के अंदर गेन करना बहुत बड़ी बात होती है और अलहमदिल्ला आपके सामने सारे एक्टिव। और अच्छा ये बताता चलूँ कि ये बकरे पहाड़ की माने लंबे और चौड़े और हटे कट्टे। अच्छा ये कहा जाता है कि बेसन का पानी वानी पिलाते हैं और बकरों को पुला देते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी रोशनी डाल दें। सर इसमें जो शौकीन होगा वो इस चीज़ को खुद समझ जाएगा, बेसन के पानी वगैरह वाली बात तो बस वो लोगों का एक बहाना है और कुछ भी नहीं है। बेसिक ये जो है नेचुरल डाइट पे तैयार होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, दूध हो गया, इसके अलावा तेल हो गया, दाना हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसमें से सबसे हैवी बकरा कौन सा है और उसके अगर वज़न बताना चाहें तो आप बता सकते हैं? तो वज़न के अलावा बाकी सब पूछ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने। सबसे जो बड़ा और हैवी बकरा वो ये है टापरा। अच्छा ये तो खुद ही आगे आ गया बात करने के लिए, कितने का होगा? वैसे इसकी डिमांड 8 लाख रुपए थी और अलहमदे 5 के 5 सोल्ड हैं। अच्छा ये सारे बिक चुके हैं? अलहमदुल्ला सोल्ड हैं। जबरदस्त, तो वही बात नाज़रीन, शौक का कोई मोल नहीं होता और ये जो मेरे साथ इर्द गिर्द जितने भी बकरे हैं ये सारे सोल्ड आउट हैं, सब बिक चुके हैं कुर्बानी के लिए। दो दांत के नहीं, ये दांतों में 6-6 हैं। दांतों में 6-6 हैं? जी बिल्कुल 6-6 हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि बकरों का भी एक खासा शौक रखा जाता है, ये जब बिक चुके हैं अगर जिसने भी शौकीन बंदे ने लिए हैं कुर्बानी के लिए, तो वो आपका कोई अपना कस्टमर है या घर में ही जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कस्टमर्स नहीं है ये, कस्टमर्स हैं, उन्होंने अपनी घर की कुर्बानी के लिए। इसकी खिलाई खुराक की आपने बात की है, वो मुझे बता दें क्या खाते पीते हैं ये? सर सबसे पहले तो इनका दूध छोटे होते हैं जब से चालू होता है और अलहमदिल्ला अभी तक इनका दूध चालू ही है, बंद नहीं होता दूध। अच्छा पिछले साल की और इस साल की नस्बत कितना फ़र्क है मंडी में? बहुत फ़र्क है सर, कॉस्टिंग बहुत ऊपर चले गई है, गंदम कहाँ थी सबको पता और आज क्या रेट है, दूध का क्या रेट था और अभी क्या है, सारी चीज़ों के अंदर एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। छह दांत के ये एक ज़बरदस्त नायाब बकरे हैं जो कि 5 के 5 सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ HM कैटल फार्म में, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंडी के जो सबसे नायाब बकरे हैं वो यहाँ पर इनके पास मौजूद थे। हम उस बकरों को सर्वे करने के लिए आए थे, इस मंडी में भी सर्वे किया, लेकिन ये जो 5 बकरे नायाब ये सोल्ड आउट हो चुके हैं और ये कल रात तक चले जाएंगे अपने मालिक के पास या यहीं पर स्टे किया हुआ है? तकरीबन ये 3 से 4 दिन में अपने घर पर चले जाएंगे, कुर्बानी वालों के घर पर चले जाएंगे। 3 से 4 दिन? 3 से 4 दिन के। हाँ जी, के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।